चेयर लगेगा। कहाँ से आए ये सवाल? अच्छा, योर सेंटर अनिल सर। अनिल सर क्या हुआ? मेरे पास है भैया। अनिल सर हेलो, योर सेंटर राहुल यर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। योर लेफ्ट सर, लेफ्ट। हाँ जी बोलिए। मेरा सवाल आपसे भी, आदित्य जी से भी और दिशा जी से भी है, और तीनों से अलग अलग सवाल है, तो पहले आपसे पूछ लेता हूँ सर। आपको याद होगा सर, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, एक फ़ोटो रिवील हुआ था, ग्रुप फोटो था आप लोगों का, जिसमें काफ़ी चर्चे हुए सर। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलने लगे थे कि दिशा आदित्य के साथ यह नया लड़का कौन लॉन्च हो रहा है आपके बारे में सर। तो सर, इतना भारी कॉम्प्लीमेंट को आप मेंटेन करने के लिए क्या क्या कठिनाई को सामना करना पड़ता था? कैसे मेंटेन करते इतना भारी कॉम्प्लीमेंट? मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। वो जूतों का कमाल था, वो पिंक जूते जो पहने थे मैंने, जो हर्ष से चुराए थे, और वो सो रहा था तो मैंने चुराए और वो पहन के, तो वो जूतों की वजह से मैं, मेरे ख्याल से जान लग रहा था। मगर मुझे पता है कि यू नो व्हेन यू नो समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी आप, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितने आप यंगस्टर्स के साथ काम करेंगे, जितने यंग लोगों के साथ, यंग फिल्म मेकर, यंग एक्टर्स, यंग प्रोड्यूसर्स, तो ऑब्वियसली यू ऑल्सो फील वेरी मोटिवेटेड, आपको सीखने को मिलता है, यू नो, एंड यू गेट चार्ज्ड। सो आई थिंक समवेयर मुझे, आई वॉज चार्ज्ड कि दिशा, आदित्य, कुणाल, मोहित, लव, ये सब हैं, अंकुर है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा कुछ, यू नो, तो उस दिन ज़्यादा एक्सरसाइज की, थोड़ा दौड़ ज़्यादा लगाई, हाँ, एंड आई केम, सो वन ऑफ दोज गुड डेज। बट लंच के बाद वो थोड़ा ढल गया मैं, लंच तक फ्रेश था मैं वो फोटो शूट के लिए, सो वन ऑफ दोज गुड डेज, सो यू नो इट फील्स गुड। दिशा जी, योर लेफ्ट। फिल्म में हॉटनेस की सारी हदें आपने पार कर दी है, कोई नया मौका नहीं है, इससे पहले भी हर फिल्म में आपका एक लेवल अप जाता है, तो जैसा देखा जाए तो आपको नेशनल क्रश की उपाधि भी पहले मिल चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों में आने वाले प्रोड्यूसर या जो अभी क्या आपको अफोर्ड कर पाएंगे? थैंक यू सर, सॉरी आई कांट सी यू एक्चुअली, कैन यू, ओ या, सी यू नाउ, थैंक यू। आई गेस जो भी मैं लग रही हूँ फिल्म में, इट्स थैंक्स टू द डायरेक्टर फॉर श्योर, इट्स हिज विजन, एंड इन्होंने जैसा भी बनाया इन्होंने बनाया, और जो भी मैं फिल्म करती हूँ वो किसी का विजन होता है, तो उनके विजन में ही मैं ढल जाती हूँ। और आपने जो भी बोला बहुत काइंड है, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई डोंट थिंक आई एम एनी वेयर क्लोज टू दैट एनीथिंग यू सेड। थैंक यू आदित्य, ये पहला मौका नहीं है क्रिएटिव किसका, आपका किसिंग सीन जो काफ़ी क्रिएटिव है, योर लेफ्ट। इससे पहले भी आपको कैसे पता कि जैकेट के नीचे क्या हो रहा है? हाँ हाँ वही, इससे पहले आशिकी 2 में भी आपका काफ़ी चर्चे में रहे थे आपके किस, इससे पहले ओके जानू में दो होंठों के बीच में एक हाथ रख के किस किया गया था, काफ़ी क्रिएटिव रहा है। आपको नहीं लगता कि इस जैसा चल रहा आपका जर्नी, इमरान हाशमी का टॉप कॉम्पिटिटर आप बनने जा रहे हैं? If I can follow in Imran's footsteps, I'd be very honored. So, yeah, I'm very happy ki every film, I'm also pushing the boundary with this. So, next time, kya karenge, abhi sochna padega. Anil ji, aapke left mein. Oh, Bharti, hi, how are you? Good to see you after such a long time. How are you? Yeah, thank you so much for coming, Bharti. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Anil ji, aapke left mein. लेफ्ट एंड अप। अनिल जी, आपने बताया कि काश आप ऐसे चिल्लम फूक रहे होते, काश आप, जरा जोर से बोला, आपने बताया कि काश आप ऐसे चिल्लम फूक रहे होते, काश आप यंग होते। चिल्लम बहुत पुरानी बात हो गई, चिल्लम से आगे है आजकल, वो लोग चिल्लम से बहुत आगे निकल चुके हैं। दिशा और आदित्य का वो किसिंग सीन भी मिस कर रहे थे, करते हैं आप कि काश आप ऐसे किसिंग कर रहे होते, ऐसे मिस करते हैं आप ये नए बच्चों को देखते हैं तो ऐसे कुछ? तू क्या चाहता है, मैं घर पे मुझे जूते पड़े? हाँ समझा ना आपको, घर पे सोनम है, रिया है, सुनीता है, बड़े बड़े मेरे, तू क्या चाहता है? मगर अपना ऑब्वियसली बुरा तो लगता है थोड़ा थोड़ा, ये दिल की बात थी आपकी। एंड आदित्य जी, आपने इस फिल्म में दारू की बोतल को हाथ लगाया या तोड़ा तो मतलब हम समझे कि पिक्चर हिट है? है क्या ऐसा शॉट फिल्म में? आई थिंक वो कुणाल का शॉट है। अच्छा, तो मैं नहीं फोड़ रहा हूँ इसमें, नहीं मतलब मैं पी भी नहीं रहा हूँ। क्या बात, फिर हिट तो है।
एंड दिशा जी यू नो हम यार कोई और सवाल करेगा कौन है ये ये कौन है भैया ये वही है जो हमेशा होता है हाँ क्या नाम है उनका दिशा जी यू नो लड़कियों को अपने बालों से बहुत प्यार होता है लेकिन आप अपने बाल ऐसे पिक्चर में कट ऐसे मतलब ऐसा हम कभी देख सकते हैं क्या ऐसे कट करते हुए ऐसे शायद फ्यूचर में सर जब थोड़ा बोर हो जाऊंगी लंबे बालों से तब काट दूंगी भूषण जी आपसे आखिरी सवाल कि एंड सर आपसे भी कि आप प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के लेफ्ट में जिस तरह से ट्रेलर चल रहा था उसमें ऐसे फीलिंग आ रही थी गाना इससे ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला था थोड़ा सा आप लोग बता दीजिए कि आने वाले दिनों में गाने कैसे होने वाले हैं इस फिल्म गाना के जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गाने तो स्क्रिप्ट से पहले सुने थे मैंने और उसी दिन मैंने मोहित को बोला था कि ये सुपर डुपर हिट गाने हैं और पिक्चर तो मैं कर रहा हूँ चाहे तुम पिक्चर मत बनाओ लेकिन गाने मुझे ज़रूर दे देना सो गाने बहुत बेहतरीन है और जब गाने एक एक करके आएंगे एक झलक आपने इसमें भी देखी अपने ट्रेलर में भी गाने की देखी सो गाने बहुत ही बेहतरीन है जी आदित्य एंड दिशा आप दोनों का जो किसिंग सीन है उस पर बहुत सारे मीम बन रहे हैं उसको लेके क्या कहना चाहेंगे एंड दिशा आपको ट्रोल कर रहे हैं लिटरली उस चीज को लेकर नो यू टॉकिंग अबाउट द पोस्टर हां आई एम यूज्ड टू मैम ऑफ ट्रोलिंग इट्स फाइन सॉरी आई कांट सी यू कैन आई I think I enjoy memes and personally when I see memes, I really enjoy looking at a meme. So it's good that we're making people laugh or happy. I mean, there's a saying, it's better to be talked about than not being talked about. So it's a good thing. Okay, Bhushan sir, kal aap ek meeting mein gaye the, jahan pe kai sare Bollywood celebrities ko bulaya gaya tha. Anil sir, Aditya and Disha and Mohit, aap sabhi se janna chahte ho. Kya aapko invite aaya nahi tha ya aap log gaye nahi kisi karan? CA की मीटिंग थी पीयूष गोयल ने ये मीटिंग आई वाज इन ग्रैंड हयात यस सो दैट डजंट मीन आई वाज इन अ मीटिंग और समथिंग राइट आइए ओके तो क्या आप लोगों को इनवाइट आया था क्योंकि हमारे पास जो इनविटेशन कार्ड है उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम के लिए वो इनवाइट बनाया गया था क्या आप लोगों को इनवाइट किया गया था नहीं मैम मुझे तो नहीं आया नहीं ओके जी वी विल टेक या ऑलराइट सो दिशा दिस क्वेश्चन इज टू यू ओयो या सबसे पहले ट्रेलर अमेजिंग है कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम दिशा यू नो वी ऑल हैव सीन दैट आप जिसके साथ भी पैर अप हो जाती हैं जिस भी एक्टर के साथ कमाल की जोड़ी लगती है सो यू नो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस क्या कहना चाहेंगी थैंक यू सो मच इफ यू फील सो आई डोंट नो आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर्स जॉब टू यू नो मेक अस लुक गुड टुगेदर एंड वी आर एक्टर्स All we can do is, you know, do our best. And thank you so much if you feel so. I don't know what to say. Lovely. One more question I have, guys. Ek pehle se hi request hai meri. Please, is question ko attempt kar lijiye because ye bahut zaruri hai. Beeti raat humne dekha JNU mein jo kuch bhi hua, jis tarike se violence hui, us pe agar aap apne tark vitark rakhna chahein, agar aap apne vichar rakhna chahein, that would be great. Ankur, would you like to add to that? Because see. किसी भी तरह का वायलेंस चाहे वो JNU में हो या किसी भी कैंपस में हो आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी वी कंडेम एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द रिलेवेंट अथॉरिटीज टू टेक नोट ऑफ इट एंड यू नो टेक द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन पॉसिबल बट या आई थिंक आई कैन स्पीक ऑन एवरीबडीज बिहाफ दैट या इट इट जी पूछें नो आई थिंक यू नो आई फील एनी इट हैज टू बी कंडेम्ड एंड आई इट्स it was quite sad and quite shocking what I saw what the you know and you know it was very disturbing matter of fact puri raat soya nahi ye soch ke ki yaar ye you know what is happening so it has to be condemned violence se kuch hone wala to hai nahi and all the jinhone bhi ye kiya they should be I think punished absolutely Yeah, there's no place for that kind of violence in our country, and the perpetrators have to be brought to task, definitely. जी आगे love मेरा सवाल आपसे है आपने ये love रंजन जी इधर यहाँ जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक दूसरे के आपने आप दोनों के नेचर के बारे में जरूर बताया कि आप ऐसे हैं वैसे हैं लेकिन जब क्रिएटिव
लेवल पे देखें तो आप दोनों ही डायरेक्टर हैं और दोनों बहुत अलग अलग किस्म का सिनेमा या कहानी क्रिएट करते हैं, तो क्रिएटिव लेवल पे कहीं डिफरेंसेस आए थे आप लोगों के बीच एज अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर? मैम क्या है ना कि मैंने जैसा कि कहा कि अगर हम लोग शायद एक रोमांटिक कॉमेडी बना रहे होते या हम कॉमेडी बना रहे होते तो हम लोगों के बीच में हो सकता है डिस्कशंस बहुत ज़्यादा होते। ये जो जॉनर है ना, उस जॉनर में मेरा मोहित से बहुत ज़्यादा बहस होना पॉसिबल नहीं है। देखिए मतलब जैसे कि भूषण जी ने पहले म्यूज़िक की बात में जब कहा कि आप मोहित सूरी को क्या बताओगे गाना अच्छा है नहीं अच्छा है या गाना अच्छा शूट किया नहीं किया है, तो ये ही इज़ बीन दिस इज़ समथिंग दैट ही डज 4 AM इन द मॉर्निंग एंड 1 AM इन द नाइट, सो इट्स नॉट समथिंग इन विच वी कैन I have been a bouncing board through this film. Matlab, it's always been a one-sided conversation where he's asking a question to me without wanting an answer. Okay, वो होता ना कि अपना बात बोलनी है, अपने आप से बात करनी है, तो सामने मेरे को बिठा लिया है, तो मैं हाँ ना हाँ ना हाँ ना ऐसे करते रहता था, लेकिन it's all him, it's completely him. And ma'am, I'd like to add to this. Love are the same age, but I, in the end, I am 12 films old. I'm not saying this out of seniority, but you know, बहुत जल्दी करियर में वो ईगो खत्म हो जाता है, वो 4-5 पिक्चर तक ही रहता है कि इसने क्यों सजेस्ट किया। I don't feel threatened about my position as a director. मुझे लगता है कि एक शॉट लगाना डायरेक्टर नहीं होता, म्यूजिक बजाना डायरेक्टर नहीं होता, like there's another mindset and I come from a family of directors, so I understand this difference. But plus another thing, I have a great respect. I think we bonded because maine bina inko jane maine pyar ka panchnama 2 ke baad inko pehle paanch panchnama 1 mein message kiya tha, fir 2 mein bhi unko phone kiya tha, we spoke on the phone where he told me he's a fan. I never knew how he looked, but I had messaged him and spoken to him, and so I even when I saw Sonu Ki Tweety, I really liked the film, and I think somewhere both of us, our journey has been similar. We've started with newcomers and I've made a mark in our own way with the kind of films that we have made, but different genres. So we have that mutual respect. So I don't think we've ever reached that position ke mujhe ye threatened lage ke mere creative space mein. In fact, I went to him and told him ek bahut hi acha scene hai film mein jo maine kaha tha ke Aseem, I think you and Love should discuss this and write this scene because it is more up your alley. I will ruin it. So I am not that age to feel threatened by anyone who feels this thing. I feel only what has happened with Love is he has helped me re-believe in my conviction or just patted me when I fell down. Hello. We'll just take one last question, right? Disha, Shubhra Roy from Film Window. Hi. Disha. Hi. मैम जैसे बात करते हैं आपको MS धोनी की और बागी 2 की, तो उसमें आप कहीं पे हाफ में ही नज़र आए थे, तो इस मूवी में आप फुल दिखे पूरे मूवी में दिखने वाले कि नहीं, ये क्वेश्चन है मेरी। सॉरी मैम, कैन यू रिपीट? मींस आपने MS धोनी में आपको आप मतलब थोड़े टाइम के लिए दिखे थे, एंड बागी में भी सेम ही, बट इसमें आप फुल दिखने वाले कि नहीं स्क्रीन में हमें? यहाँ पे भी दिख रहा है कि उनको अटैक किया गया है, दैट इज़ व्हाई आई आस्क यू। आई गेस आप फिल्म देख के आप बेस्ट जज कर सकते हो। नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। फिर आप एक काम करो, रुको इसमें मैं बीच में आऊँगा कि अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो तो जितना कलेक्शन होने वाला है आप सारा पहले निकाल के दो। आप सारा निकाल के दो, मैं पूरी कहानी मोहित से ही सुनवाता हूँ। एक एक चीज, एक एक ट्विस्ट, एक एक टर्न बता देगा वो। आप हाँ नहीं तो वही तो वो बता नहीं सकते ना, इसलिए तो कह रहे हो कि आप फिल्म देखो तो मजा आएगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड नाउ इट्स टाइम टू रैप अप, बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज टू वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। जैसे कहते हैं टीम वर्क की बात है, तो टीम टी सीरीज के दो बहुत ही अहम पिलर्स हैं, प्रेसिडेंट मार्केटिंग मीडिया एंड पब्लिशिंग मिस्टर विनोद भानुशाली। सर नाम इतना दमदार है, फंबल मार रहा हूँ सर, गिव इट अप फॉर विनोद सर, कम ऑन। एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिल्म्स Shiv Charana Saab, ladies and gentlemen, it's time for a final photo op. Would also like to invite on stage Ellie, the very gorgeous Ellie, please. And Amrita Khanwilkar, ladies and gentlemen, come and make some noise for this entire Kamal Ki team.